यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ गया, ठीक है, गया के अंदर ये सिचुएटेड है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि बिलोंग करते हैं बिहार से, और काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि सीयूईटी के लिए अपीयर हुए हैं, और बहुत सारे बच्चों की ये चॉइस के अंदर भी है सीयू जस्ट लाइक बिहार। तो इसका क्या सारा सीन रहने वाला है, एडमिशन पोर्टल एंड अदर। सो यार जो सीयू गया है, इसका जो काफी अच्छा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट रहा है, प्लेसमेंट भी ठीक ठाक है, स्टूडेंट फीडबैक काफी अच्छा है, फैकल्टी काफी अच्छी है। ओके, सो स्टूडेंट का बेसिकली यहाँ पर जो एडमिशन का जो रुझान रहता है वो बीए एलएलबी के अंदर काफ़ी सारे बच्चों की इंक्वायरी जाती है कि भैया हमको एलएलबी करना है यहाँ पे, ठीक है, जस्ट लाइक फाइव ईयर इंटीग्रेटेड कोर्सेज वगैरह होते हैं, और जस्ट लाइक एडवोकेट हो गया, बीए ऑनर्स हो गया, मास मीडिया वाला तो आई थिंक होना चाहिए वहाँ पे। ओके, जस्ट लाइक बीएससी वगैरह के रिगार्डिंग काफ़ी सारे बच्चों की इंक्वायरी जाती रहती है इस कॉलेज के अंदर। सो यार जिस प्रकार से मैंने पिछले बहुत सारे बच्चों की काउंसलिंग की है इन कॉलेजों के लिए, स्पेशली गया के लिए, हरियाणा के लिए, राजस्थान के लिए, तो काफ़ी सारे बच्चों का इंटरेस्ट रहता है इन कोर्सेज के अंदर। अगर अपन बात करें यार यहाँ पे कट ऑफ वाइज या फिर डोमेन क्या रहने वाला है इन कॉलेजों के लिए, और कितने मार्क्स रिक्वायर्ड है, और किस किस मार्क्स पे बच्चों को एडमिशन मिल जाएगा, तो यार आपका जो टेस्ट होता है, ठीक है, जस्ट लाइक आपके जितने भी, जैसे आपका जनरल टेस्ट हो गया, आपका डोमेन हो गया, राइट, सो आप जैसे ये डिसाइड कर लो कि आपका डोमेन जस्ट लाइक कितने मार्क्स का पेपर बन रहा है, ठीक है, इट जस्ट लाइक पर ईच डोमेन के लिए 200 आप मान के चलो, ठीक है, 40 इंटू 5 कर लो आप, 200 बन जाता है। जैसे आपका एक जनरल टेस्ट हो जाता है, दो डोमेन मान के चलो आप, और एक जो है आपका जो भी इंग्लिश लैंग्वेज वाला हो गया, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है, 4 इंटू आप 200 कर लो तो 800 हो गया। तो यार इसमें जो है आपको टिल आप मान के चलो कि 800 में से अगर आपके 650 के आसपास स्कोर आप कर रहे हो, देन आप श्योर सेफ हो, और आपका जो है ऑलमोस्ट एडमिशन हो जाता है। टिल यार लास्ट राउंड तक, स्पोर्ट राउंड तक काफ़ी कम रैंक तक भी एडमिशन हो जाता है। अब काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका जो मार्क्स काफ़ी ज़्यादा लो होते हैं, तो और जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना, तो वो जो है मेरा पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान ले सकते हैं, जिसके अंदर जो हमारी टीम पूरी हेल्प करती है टू प्रोवाइड एडमिशन, कि आपको एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सारा सब कुछ हेल्प करती है। तो इसके लिए जो है आप मेरे नीचे हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, या फिर व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो, जिसके अंदर जो है हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेती है, और कुछ ही चार्जेस के अंदर जो आपका अलॉटमेंट करा दिया जाता है। एक मेरा अलॉटमेंट प्लान चलता है जिसके अंदर हम ट्राई करते हैं कि आपको 100% अलॉटमेंट हो जाए। अगर यार अपन बात करें जस्ट लाइक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार की, तो गया शहर के अंदर ये कॉलेज सिचुएटेड है। काफ़ी सारे मेरे वीडियोज मिल जाएंगे आपको इसके रिगार्डिंग, और काफ़ी अच्छा कॉलेज है वैसे, और जस्ट लाइक स्टूडेंट फीडबैक काफ़ी अच्छा है, लोकेशन भी ठीक ठाक आप मान के चल सकते हो मधुबनी के आसपास, और जस्ट लाइक रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छा है, कोर्सेस एंड फैकल्टी काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है। तो इस प्रकार से जो है आप इसको भी देख सकते हो अगर आपने इस कॉलेज को कंसिडर किया। जैसे इसके पोर्टल के रिगार्डिंग कोई अपडेट आती है तो मैं आपको जरूर अपडेट करूँगा। तो सीयूईटी यूजी के रिगार्डिंग यार एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो टू गेट द एडमिशन अपडेट्स रिगार्डिंग द सीयूईटी एग्जामिनेशन 2022। ठीक है गाइस, थैंक यू।